बड़कागांव पंकरी बरवाड़ी के अधीनस्थ त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इसके मजदूरों के बीच बोनस मांग मामले को लेकर विधायक अंबा प्रसाद कंपनी पुलिस प्रशासन और मजदूरों के साथ वार्ता की गई। बैठक में कंपनी और मजदूरों के बीच उत्पन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर उपस्थित विधायक अंबा प्रसाद ने कंपनी के अधिकारियों को जेल भेजे गए मजदूरों को पुनः काम पर रखने की बात कही। विधायक ने प्रशासन को 26 जुलाई तक मामले को जांच कर मजदूरों को बरी करने को कहा और 3 सूत्री मांग के अंदर आने वाले HPC को 3 दिन के अंदर लागू करने को कहा गया, जिसे कंपनी पहले से देने को तैयार थी। मजदूरों को बेल कराकर बाहर निकालने एवं वकील शुल्क कंपनी को वहन करने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि मजदूर एवं कंपनी के बीच उत्पन्न समस्याओं को निपटाने के लिए जल्द से जल्द कंपनी एक कमेटी का निर्माण करे ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। साथ ही कंपनी के आला अधिकारियों के द्वारा जो वादे किए गए थे वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं। मौके पर उपस्थित मजदूरों ने कंपनी से बोनस की मांग की, जिस पर कंपनी के प्रतिनिधित्व कर रहे HR मैनेजर उत्तम झा ने बोनस पर कहा कि जिन मजदूरों का वेतन 21,000 से कम है कंपनी उन्हीं को बोनस देती है। इस बार त्रिवेणी सैनिक किसी को बोनस नहीं दी है, आगे लाभ होने पर मजदूरों को बोनस दिया जाएगा। आगे मजदूरों की रिहाई की बात पर उन्होंने न्यायिक मामला बताया। बैठक में जेल भेजे गए मजदूरों के परिजन भी उपस्थित हुए, जिन्होंने विधायक एवं पुलिस प्रशासन से जल्द रिहा कराने का गुहार लगाया। वार्ता में मुख्य रूप से विधायक अंबा प्रसाद, SDPO मोहम्मद नेहालुद्दीन, BDO परवेश कुमार साव, CO प्रभात भूषण सिंह, बड़कागांव थाना प्रभारी हिमांशु शेखर सिंह, कंपनी के तरफ से HR मैनेजर उत्तम झा, मैनेजर लाइजनिंग मदन मोहन शर्मा के अलावा कंपनी के मजदूर उपस्थित थे। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट।